टेक्निकल सहायता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो मनीष टैग गुरुजी चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपको जो इंटेक्स का जो ओल्ड वूफर होता है उसमें मैं ब्लूटूथ सिस्टम बना के दिखाया है। दोस्तों, आप देख लीजिए मेरा ब्लूटूथ सिस्टम, ये इस तरीके से बज रहा है। दोस्तों, हमारे इंटेक्स के ऊपर में ब्लूटूथ सिस्टम कैसा लगा ये मैंने खुद अपने घर पे ही बनाया। तो दोस्तों, इससे सीखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा ओल्ड वूफर और आज हम उस ओल्ड वूफर में हम ब्लूटूथ सिस्टम करेंगे। दोस्तों, ये ओल्ड वूफर है और ये हमारा ब्लूटूथ कार्ड है जिसे मैंने 200 रुपये का मार्केट से ख़रीदा था दोस्तों, और ये उसका रिमोट है। और इस डिब्बे में से आज हम असेंबल करने वाले हैं दोस्तों। इसको आगे से काट कर इस डिब्बे में कर देंगे जिससे कि हमारा ब्लूटूथ सिस्टम अच्छा लगेगा और बन जाएगा। दोस्तों, इसे साइड में रखते हैं और इस पर काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस जगह से काट लेंगे। मैं दोस्तों वीडियो को पॉज करता हूँ और इसको काट कर अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मैंने काट लिया है। अब इसमें हम ब्लूटूथ सिस्टम को लगा देंगे, ब्लूटूथ कार्ड को, और इसे आराम से लगाना है जो कि टूट ना जाए। और ये फिट हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें निकाल के इसके पहले कनेक्शन कर लेंगे तारों के। सबसे पहले हम कनेक्शन समझते हैं दोस्तों। इसके जो बीच में जो तीन पिन हैं, इनके अगल बगल के ऑडियो लेफ्ट राइट होते हैं और बीच वाला हमारा ग्राउंड होता है। अगल बगल के जो लेफ्ट राइट होते हैं ऑडियो के और बीच का ग्राउंड होता है दोस्तों। और इसके बगल में वो सिर्फ 5 वोल्ट है। इसके लिए हमें 5 तार चाहिए होंगे दोस्तों, 3 और अगल वॉल्यूम के लिए और 2 5 वोल्ट के लिए। दोस्तों, इसमें से हमने ये ऑडियो लेफ्ट है, ये ऑडियो राइट है और ये बीच का नारंगी ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट सप्लाई जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इनको तारों को लगा लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमने लेफ्ट ऑडियो लगा दिया और राइट ऑडियो लगा दे रहे हैं दोस्तों। ये राइट ऑडियो लग चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको इधर लाएँ तो मार्किंग शॉर्ट हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों हम इसको सबसे पहले इस वाइट वाले को इसको निकाल दे रहे हैं और ऊपर इसके बीच में लगा दे रहे हैं। अगर उधर तीनों तारे को लगाएंगे तो दोस्तों ख़राब होने के चांस रहेंगे, इसलिए हम इधर साइड में जॉइंट कर दे रहे हैं दोस्तों। ऑडियो लेफ्ट लग चुका है और ये बीच की पिन में ये लगा दे रहे हैं, ये ऑडियो लेफ्ट, ये ऑडियो राइट और ये इधर लगा रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों लग चुका है, देख लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें 5 वोल्ट देंगे। इसमें इसका जो उधर साइड का है जो वो ग्राउंड है दोस्तों, जो ऊपर वाला और नीचे वाला इसका प्लस है, और ऑडियो लेफ्ट और ये ऑडियो राइट और ये बीच का ग्राउंड हमने अच्छी तरह लगा दिया। अब इसके हम ग्राउंड वाले में हम ग्रीन रखते हैं दोस्तों, ग्राउंड वाले के लिए ग्रीन रखते हैं। हम उधर से ही चिपका रहे हैं दोस्तों, जिधर से मतलब अभी सब वाइट सा वो निकाला था उधर साइड के, वो टांगों पर लगा दे रहे हैं दोस्तों। ये इसको मैंने प्लस वाले में नीला जोड़ दिया है और ग्रैंड वाले में मैंने हरा जोड़ दिया है दोस्तों। देख लो, ये बन के एकदम तैयार होगा, वायरलिंग फुल हो चुकी है दोस्तों। अब इसको हम उसी में असेंबल कर देंगे डिबिया में। ये डिब्बे मैंने 5 रुपये की मार्केट से ली थी। अब दोस्तों इसको हम पेचों से कस देंगे। चलिए दोस्तों, मैं कस दे रहा हूँ, उसे कस चुका है और इनके वायर भी मैंने अलग से निकाल दिए दोस्तों। अब चलते हैं अपने इंटेक्स ओल्ड वूफर की तरफ, उसको हम निकाल के इसको कसते हैं, उसकी वायरिंग करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये इंटेक्स का ओल्ड वूफर आ चुका है। अब दोस्तों मैं इसकी इनके तारों की वायरिंग करेंगे। जो हमारे पावर वाले तार हैं उनको हम LED के साथ जोड़ देंगे, जिसे हमें ऑडियो कार्ड के लिए देने थे, वो सॉरी ब्लूटूथ कार्ड के लिए देने थे। इसको हम LED के साथ जोड़ देंगे। LED के प्लस में प्लस पॉइंट लगा देंगे, माइनस के माइनस पॉइंट में लगा देंगे दोस्तों। ये इसका LED का प्लस है, इसे प्लस में लगा दिया, माइनस वाला तो लग गया दोस्तों। अब इसको हमने माइनस वाले में प्लस का प्लस माइनस का माइनस में लगा दिया। अब उसके बाद दोस्तों
फिर वॉल्यूम की वार्निंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले वॉल्यूम खोलेंगे दोस्तों। ऊपर वाला वॉल्यूम खोलना है, बेस वाले वॉल्यूम को नहीं छोड़ना है। ऊपर वॉल्यूम खोलने के बाद दोस्तों इसका जो बीच का तार है इसको वॉल्यूम को सबसे पहली पिन से लगाना है, जिसके साथ जो आगे पीछे के दोनों पिन जॉइंट हैं उसकी पहली पिन से हम लगा देंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये जॉइंट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों ये इसके दो तार बचे, इनको लास्ट वाले जो बीच के तारों से नहीं जोड़ना है, ना ही कोई बीच के अगल बगल के कोई तार, सबसे लास्ट वाले तारों के साथ जोड़ देना है। एक इधर एक आगे, ऑडियो लेफ्ट जुड़ गया दोस्तों, ऑडियो राइट जुड़ चुका है। देखो दोस्तों जुड़ चुका है। उसके बाद दोस्तों जैसा का तैसा इसे कस देंगे दोस्तों, और इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद ये हमने दोस्तों ऐसा कैसा ही कस दिया है। दोस्तों ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसको एलईडी लाइट को हम उसी में फंसा देंगे, और इस पर हम ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए इस पर हॉट ग्लू गन लगा देंगे, जिससे ये वायर फॉल्ट ना हो और इधर उधर ना हो, जिससे हमारे कार्ड वगैरह फूके ना, इसलिए हम हॉट ग्लू गन को इसको चिपका दे रहे हैं दोस्तों। और ये चिपक चुका है दोस्तों, देख लीजिए। अब इसको हम पूरी बॉडी को, ये ढक्कन है इसको भी हॉट ग्लू गन से चिपका दे रहे हैं दोस्तों, इनके पैरों को, जिससे ये मजबूत तरीके से चिपक जाए। अपने छाऊ पेन पेन के लगा दिया है दोस्तों हॉट ग्लू गन, और इसी ग्लू से हम ये चिपका दे रहे हैं दोस्तों। और ये हमारा ऊपर एकदम चिपक के, उसको थोड़ा ठोक दे रहे हैं, ये चिपक के तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसकी डिब्बी को खोल के इसके और इसको अच्छा ज़्यादा बनाने के लिए हमें एक एलईडी लाइट लगाएं, जिससे डिब्बी में एलईडी लाइट ग्लो करेगी तो और अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों हम इसको जहाँ पर अपने कार्ड के पावर दी है उसी कार्ड के पैनल और पेन पर इसको प्लस के प्लस एलईडी के और माइनस को माइनस में जोड़ दिया है दोस्तों। और दोस्तों इस डिब्बी को बंद कर देंगे और इसे भी हॉट ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर इसको ग्लू डाल कर चिपका देंगे। तो हम इस पर ग्लू निकाल के डाल दे रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमने चिपका दिया है, जिससे कि ये निकले ना यहाँ से, और हमारा ऊपर एकदम रेडी तैयार है। Bluetooth mode.